चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम सेकंड क्लास की हिंदी फर्स्ट की बुक में लेसन नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। ये है लेसन नंबर 4 और चैप्टर नेम है सच्चा धर्म। ये मौर्य वंश के प्रतापी शासक अशोक की कहानी है। अशोक एक महान सम्राट थे जो अपनी प्रजा की मुसीबत आने पर पुत्रवत देखभाल किया करते थे। मौर्य वंश के प्रतापी शासक अशोक प्रजा को पुत्रवत स्नेह देते थे। एक बार मगध राज्य में भीषण अकाल पड़ा। सम्राट अशोक की प्रजा दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। यह दृश्य देखकर सम्राट अशोक ने तत्काल अपने राज्य के अन्न के भंडार जनता के लिए खोल दिए। सुबह से शाम तक अन्न लेने वालों का तांता लगा रहता। तांता मीन्स कतार, यानी लाइन लगी रहती थी। एक दिन लोग शाम तक अन्न ले जाते रहे। भीड़ में शामिल एक बूढ़ा आदमी सुबह से ही पंक्ति मीन्स लाइन में लगा हुआ था, किंतु जवान आदमियों की धक्का मुक्की ने उसकी बारी नहीं आने दी। बारी मीन्स नंबर ही नहीं आने दिया। वह बेचारा शाम तक अपनी बारी के इंतजार में चुपचाप बैठा रहा। सबसे अंत में वह बूढ़ा उठा और अन्न मांगने लगा। इस समय तक अन्न बांटने वाले भी थक चुके थे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, बाबा कल आना, आज तो खैरात बंद हो चुकी है। खैरात मीन्स मुफ्त में मिलने वाली चीज या फिर दान। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। तभी एक हष्टपुष्ट मीन्स बलवान यानी तंदुरुस्त व्यक्ति, शरीर वाला नवयुवक आया और बूढ़े को डांटने वाले व्यक्ति से आग्रहपूर्वक मीन्स प्रार्थना करते हुए कहने लगा, बेचारा बूढ़ा है, सुबह से ही पंक्ति ये मीन्स लाइन में लगा है, बुढ़ापे और कमजोरी के कारण सबसे पीछे रह गया है, इसे अन्न दे दीजिए। अन्न मीन्स अनाज होता है। उस आगंतुक मीन्स अजनबी की वाणी में ऐसा ओज था कि खैरात बांटने वालों ने बूढ़े को अन्न दे दिया। बूढ़े ने उस युवक की मदद से अन्न की गठरी बांध ली। गठरी कहते हैं कपड़े की एक बहुत बड़ी पोटली जिसमें सामान बांध लिया जाता है। लेकिन उस भारी गठरी को उठाए तो कैसे। बेचारा बूढ़ा मदद के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी वह युवक बोला, बाबा लाओ, मैं ही तुम्हारा अनाज घर तक पहुंचा देता हूँ। युवक की बात सुनकर वह बूढ़ा बहुत खुश हुआ। युवक ने बूढ़े से अन्न की गठरी लेकर अपने कंधे पर रख ली और बूढ़े के साथ साथ चलने लगा। उसी रास्ते से सैनिकों की एक टुकड़ी जा रही थी। टुकड़ी के नायक ने उस युवक को देखा तो घोड़े से उतरकर अभिवादन करने लगा। अभिवादन मीन्स नमस्ते करने लगा। युवक ने संकेत से मीन्स इशारे से नायक को आगे बोलने से रोक दिया। फिर भी बूढ़ा अपने अनुभव के आधार पर सब समझ गया। वह बूढ़ा वहीं खड़ा होकर बोला, आप कौन हैं, सच सच बताइए, वरना मैं घर नहीं जाऊँगा। युवक ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा मैं एक स्वस्थ युवक हूँ और आप बूढ़े और कमजोर हैं, इससे अधिक परिचय व्यर्थ है मीन्स बेकार है। अब आप बताए कि आपका घर कहाँ है। बूढ़ा अब पूरी तरह समझ चुका था। वह क्षमा मांगते हुए बोला, अन्नदाता। अन्नदाता मीन्स प्रजापालक यानी अन्न देने वाला। आप सच्चे अर्थों में प्रजापालक हैं। आप सम्राट अशोक हैं और मैं आपकी प्रजा का तुच्छ मीन्स छोटा व्यक्ति। मुझसे गंभीर अपराध हुआ है, क्षमा करें। बाबा यह तो मेरा कर्तव्य है, इसमें क्षमा मांगने वाली, क्षमा मीन्स माफी मांगने वाली कोई बात नहीं, सम्राट अशोक ने कहा। बूढ़ा आश्वस्त हो गया। आश्वस्त मीन्स निश्चिंत हो गया। उसके मना करने के बावजूद अशोक ने उसकी गठरी घर तक पहुंचा दी। अगले दिन अन्न बांटने वालों को बुलाकर सम्राट अशोक ने कहा, आप लोग बुजुर्गों तथा महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, कल आप लोगों का व्यवहार ठीक नहीं था। अन्न वितरण करने वाले कर्मचारी घबराकर क्षमा मांगने लगे। सम्राट अशोक ने उन्हें क्षमा कर दिया। ऐसे थे मगध सम्राट प्रियदर्शी अशोक। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप इसे बार बार रीड करेंगे और अपने पेरेंट्स को भी बार बार पढ़कर सुनाएंगे। थैंक्स।